नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं शुभम राजपूत। वक्त पंजाब स्पेशल का है। शुरुआत करेंगे होशियारपुर से, जहां पर एक देवर और ससुर की बुरी नीयत से तंग आकर एक विवाहिता ने जहर खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। होशियारपुर के मुकेरिया में एक विवाहिता ने देवर व ससुर से तंग आकर जहरीली पदार्थ निकलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मरने से पहले मृतका ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। वहीं पुलिस ने मृतका के भाई के बयानों पर दोषी देवर और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि देवर और ससुर की बुरी नीयत से तंग आकर मुकेरिया की 27 वर्षीय विवाहिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतका ऋतु बाला ने मरने से पहले अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दुखी है मारे, मैं घर जीवन चाहिए अगर जो कोई भी भरा मेरा इंसाफ दवा सकता। चार साल पहला पिंड राजपूत भट्टिया इन्हों की मैरिज हुई थी। तो चार साल सब चलो एक दो घर के घरेलू झगड़े होंगे थोड़े बहुत, तो चले एक दो झगड़ा। वो बाद अच तरीक न जो इन्हें किया वा काम सुसाइड करने को किया, वीडियो वायरल हुई है। इन्हें सू मैंने फोन लाया इन्होंने कोई 5:30 बजे कि तेरी सिस्टर ने खा लिया। सू एक पॉइजन रिगार्डिंग चिट आई थी, जिस राजा सिविल हॉस्पिटल गया जी, उत्तर पता लगा कि रेतु जड़ी जलंधर रैफर कर दी है। उस तो बाद 30 तरीक में सू इनफॉर्मेशन आई कि यदि डैथ हो गई है। ये रितु का ब्रदर मेरे को जो आके ने बयान लाया कि जोड़े मेरी भैन मेरा भैन का सहुरा तो दौर तंग करते थे, तो जिसे वो ब्रदर गुरदयाल सिंह के ब्रदर के बयान से अं परचा दर्ज करके सहुरा तो दौर को अरैसट कर लिया। तरन तारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन नशा तस्करों के पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत के 5 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। इसी के साथ पुलिस ने इनके पास से महंगी गाड़ियां और महंगे हथियार भी पूछताछ के बाद बरामद किए। तरन तारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 नशा तस्करों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने अलग अलग जगह से 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 1 किलो हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ है, पकड़े गए तस्करों के पास से 11,500 नशीली गोलियां, 2 राइफल, 1 पिस्टल, 1 ट्रैक्टर, 3 गाड़ियां के अलावा 3,15,000 की भारतीय करेंसी बरामद हुई है। अरेस्ट किए ही मेन सुखवंत सिंह के 2 लड़के ने, इन्हों को ट्रैक्टर मैसी ट्रैक्टर 1 किलो हिरण बरामद हुई है। तो सुखवंत सिंह जरा वा पहले भी 4 किलो के जरा 12 साल की सज़ा कट रहा बेल से आया, तो हूँ आके फिर शुरू काम करता। इन्हें अपने लड़के भी इस काम में जोड़े नाल लाते इन तो पहला इन्हें जी 4 किलो तो पहला इन्हें 16 किलो भी जी बॉडर तो कल्स तो बॉडर तो चक के गांह डिलीवर की थी। वो लै गए बाद 4 किलो जो लैके आया थी तो उस पकड़ फड़िया गया तो इन पंजाब के फाजिलका में अंडर 19 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लड़कियों द्वारा कबड्डी का खेल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिला फाजिलका में जोन स्तर पर हो रहे अंडर 19 कबड्डी मुकाबले में फाजिलका के गांव बांडीवाला के हाई स्कूल में करवाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 30 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वाले स्कूलों में शतीरवाला, बांडीवाला, केरिया के स्कूलों की टीमें विजेता रहीं, जिनको स्कूल प्रबंधकों व गांव बांडीवाला पंचायत की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। बच्चों में खेलों के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए यह खेल मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लड़कियों को कबड्डी मैच मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। स्कूल सरकारी हाई गवर्नमेंट स्कूल बांडीवाला विच कबड्डी का मैच होया, ये सानू बहुत ही वधिया लग्या। इस विच साड़ी केरियां वाली टीम नाल मैच होया सी, इस विच असी रनर रहे हां, अते मैनू बहुत वधिया लग्या। साड़ी प्रैक्टिस बड़े दिन चल रही है, साड़े कोच बहुत अच्छे ने, उन्होंने सानू वधिया तरीके नाल ट्रेनिंग दित्ती। साड़े कोल मोहम्मद पीरा जोन डिस्ट्रिक्ट फाजिलका दे विच सानू जोनल पद्धर दा इत्थे कबड्डी अंडर 14, अंडर 17 अते अंडर 19 करवाउण दा सरकार ने जिम्मा दिता है। साडे कोल अज लगभग कुड़ियां ते मुंडियां दियां वख वख स्कूलां तों 30 दे करीब टीमां पहुंचियां ने, जिन्हां दे विच तुहाडे सामने मैच चल रहे ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल।
पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जनता का दरबार लगाया और दरबार के दौरान जनता की मूलभूत सुविधाओं के बारे में चर्चा की और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। होशियारपुर के मुकेरिया व तलवाड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उन समस्याओं का मौके पर हल भी किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जल्द ही दौलतपुर तलवाड़ा रेल मार्ग का कार्य शुरू होगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए के टेंडर लग चुके हैं। वहीं पंजाब में रेल लाइन के लिए जमीन अभी तक एक्वायर नहीं की गई है। पंजाब के नवांशहर में अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक बेड पर ही एक नवजात का जन्म हो गया। जी हां, इसके साथ अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के लापरवाही के आरोप लगते आए हैं और इस बार भी ऐसा ही नज़ारा सामने आया। जिला नवांशहर का 9 करोड़ से बना अस्पताल चिट्ठा हाथी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में इसी साल मई में भी डिलीवरी के दौरान 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर नवांशहर के सिविल अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में बच्ची की डिलीवरी बेड पर ही हो गई और वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर को बुलाने पर भी डॉक्टर देखने नहीं पहुंचे और नवांशहर सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही का रवैया लगातार जारी है। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋ 9-10 ਵਜੇ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਮੋਹਰੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अमृतसर में सचखंड श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में अलौकिक आतिशबाजी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के दौरान ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में अलौकिक आतिशबाजी हुई। इससे पूर्व शाम को स्वर्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं के मुताबिक मनमोहक आतिशबाजी देखकर उन्हें काफी खुशी महसूस हुई। इस मौके पर आई हुई संगत की तरफ से दीपमाला भी की गई। इसके अलावा शाम को रहराज के बाद SGPC की ओर से अलौकिक आतिशबाजी की गई। अलौकिक आतिशबाजी को देखकर यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि मनमोहक आतिशबाजी का नज़ारा देखकर वे काफ़ी आनंदित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वे स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आएं और आज उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। हर ग्रुप में इतने मनाया जाता है, इन्नी संगत आती है, बहुत उत्साह सारी संगत है। बच्चे आए नाल बहुत खुश हो गए, घंटा हो गया उत्थे बैठे वेट कर रहे थी। इन्नी गर्मी के विच भी संगत बैठी की कहने दे ये जी गुरु का प्यार है जी, सा संगत सारी आ रही है गुरु के चरणों के विच। इत्थे कोई जिन्नी भर दी गर्मी होवे सर्दी होवे गुरु का प्यार लैन सारी संगत आ रही है, तो सारी संगत नूं ढेर सारी खुशियां मिलदियां ने, सारे उत्साह बहुत ज़्यादा जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC News।